शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में जले हुए तवे की तरह हो गई है और अब इस तवे को उखाड़कर बाहर फेंकना है। ये बात राहुल गांधी ने सागर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और वोटरों से शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। हर प्रदेश में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कोई ना कोई चोरी कर रहा है। उधर राजस्थान में चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा जी, उनके बेटे ने ललित मोदी से पैसा लिया। उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी हैं, उनके बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आया। और इधर हमारे शिवराज चौहान जी हैं, व्यापम स्कैम, ई टेंडरिंग स्कैम, माइनिंग घोटाला, तो मैं हर जगह भाषण दे रहा हूं। राहुल गांधी ने चुनावी मंच से कहा कि एक महिला ने हमारे कार्यकर्ता को कहा कि रसोई का तवा 10 साल में खराब हो जाता है, उसमें पकाई रोटी जल जाती है। इसी प्रकार शिवराज सिंह जी की सरकार तवे जैसी खराब हो गई है, अब हाथ से तवे को उठाकर बाहर फेंकना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि मैं गांव में कैंपेनिंग कर रहा था, एक महिला आई और उसने कहा कि इस बार तो शिवराज चौहान जी की सरकार गई, जो आपने बोला। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पूछा कि भाई बताओ, मगर ये आप कैसे कह सकती हो कि शिवराज चौहान की सरकार गई, क्योंकि ये तो आपके ऊपर नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के सब लोगों के ऊपर है। तो आपने इतनी कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह दिया कि शिवराज चौहान की सरकार गई? तो वो कहती है सुनो, मजेदार कहानी है। वो कहती है कि रसोई में तवा जो होता है वो 10 साल के अंदर खराब हो जाता है, और उसमें अगर रोटी पकाई जाती है तो रोटी जल जाती है। इसी प्रकार से शिवराज चौहान जी की जो सरकार है तवे जैसे खराब हो गई है, और अब एक ही रास्ता बचा है, हाथ से तवे को उठाकर बाहर फेंकना है। गौरतलब है कि 28 नवंबर को मतदान है और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राहुल पूरी मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सागर।